हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। हम इस सीरीज में जो कि केमिकल ऑपरेटर ट्रेनिंग की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, उसमें हम सबसे पहले टॉपिक्स जो कि सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्लांट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट मैंने परमिट टू वर्क सिस्टम लिया है। हमने पिछले वीडियोज में कोल्ड वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट एंड कन्फाइन स्पेस परमिट के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। अभी जो मैं लेने जा रहा हूँ टॉपिक, वो है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट में हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, परमिट इशू करने से पहले क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस ले रहे हैं, प्रिकॉशंस और मेजर्स क्या क्या ले रहे हैं, आदमी को परमिट इशू करने के लिए क्या क्या चीज़ें फील्ड में जाके ध्यान देनी है, एक्सेप्टेंस करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि वर्क एट हाइट क्या होता है। सो एज पर ओशा, अगर कोई भी वर्क आपका 1.8 मीटर्स की हाइट से ऊपर हाइट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो वो वर्क एट हाइट के अंडर में आता है। वर्क एट हाइट में आपके पास ग्राउंड लेवल से, वापस समझाऊं, अगर ये आपका ग्राउंड लेवल है और आप जहां पे काम करने वाले हैं जिस लेवल पे, अगर ये लेवल 1.8 मीटर्स से ज्यादा का है, प्लस है, तो आपको वर्क एट हाइट परमिट लेना पड़ेगा काम करने के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म फिक्स नहीं है, टेम्पररी प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये परमिट जरूर से जरूर लेना है। लेकिन आप एक नॉर्मल फिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको वर्क एट हाइट की जरूरत नहीं है। जैसे हमने फ्लोर पे फ्लोर बना रखे हैं, आपका बिल्डिंग यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे 4 फ्लोर है, तो आप ग्राउंड से फिर भी आप जो है 10 मीटर 20 मीटर पे, लेकिन वहां पे आपको वर्क एट हाइट की जरूरत नहीं है। आपको तब वर्क एट हाइट की जरूरत है जब आपके पास टेम्पररी प्लेटफॉर्म पे काम करना है और आपके पास कोई फिक्स प्लेटफॉर्म नहीं है वहां पे, तो आपको वर्क एट हाइट की जरूरत है। ओके, तो वर्क एट हाइट मतलब क्या हो गया, अगर आपकी हाइट ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क में अगर आपका हाइट ग्राउंड लेवल से या फिक्स प्लेटफॉर्म से या फिक्स फ्लोर से अगर आपका वर्क 1.8 मीटर से ज्यादा की हाइट पर अगर आपको काम करना है तो वो काम वर्क एट हाइट के परमिट के अंडर में आता है। एक चीज बोल देता हूं, 1.8 मीटर की हाइट ही क्यों ली गई है, 1.6 क्यों नहीं, 1.4 क्यों नहीं, 1.7 क्यों नहीं, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि मैक्सिमम इंसिडेंसेस को पढ़ा गया कि जब कोई आदमी एक हाइट से गिरता है तो मिनिमम हाइट जिससे कि आदमी गिरे एंड इट कैन कॉज अ फेटल एक्सीडेंट, वो मिनिमम हाइट वॉज 1.8। तो 1.8 की हाइट से अगर कोई भी गिरता है, एक एवरेज हाइट का इंसान, तो एक सर्टेन पोजिशन में अगर वो गिरेगा तो इट कैन बी फेटल। इसलिए अगर 1.8 हाइट से ऊपर है तो उसको हैजार्डस माना गया है और उसके लिए एक परमिट जरूरी है। अब कोई भी इश्यूअर, जो भी एरिया इंचार्ज है, अगर उसको परमिट वर्क एट हाइट का इशू करना है तो सबसे पहले वो वहाँ पे पहुँच करके एट दी एरिया जहाँ पे काम होना है, एट दिस प्लेस पहुँच करके वहाँ पे नेचर ऑफ वर्क समझे सबसे पहले। नेचर ऑफ वर्क में काम क्या करना है, हाइट पे अगर चढ़ भी गए तो काम कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। कि सिर्फ जो अगर मुझे ऊपर चढ़ के सिर्फ एक पंखा लगा देना है तो वो एक नेचर ऑफ वर्क हो गया, और कहीं पे दूसरी जगह पे जाकर के मुझे वेल्डिंग करनी है, हॉट वर्क करना है, कोई चीज़ खोलना है, बंद करना है, ताकत वाले काम है, तो नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से आपका वर्क एट हाइट में आपको अलग अलग चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें कि आपको सिंपल काम है, बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, ताकत नहीं लगाना है, सिंपल बैठ के भी आराम से अगर आप काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका परमिट जो होगा वहाँ पे आपको एक टेम्पररी लैडर्स के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसे काम है जहाँ पे आपको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए काम करना है, टाइम फ्रेम ज़्यादा का है एंड आपके लिए वहाँ पे आपको ताकत वाला ज़्यादा काम करना है, हैमरिंग काम करना है, ऐसे जितने भी काम होंगे, तो वहाँ पे आपको टेम्पररी स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत होनी ही चाहिए और आपको स्कैफोल्डिंग चाहिए ही चाहिए। सो अभी जब भी कोई आदमी काम करे आप इशू करें तो आपको नेचर बहुत समझ में आना चाहिए कि आदमी करने का ज़्यादा, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट्स में स्कैफोल्डिंग की जरूरत है या नहीं जरूरत है, या लैडर से काम हो जाएगा,
करना है कि नहीं करना है। देन सेफ्टी प्रिकॉशन में सबसे पहले आपको पीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आदमी को चाहिए, जो भी आप जिसको भी काम करने जा रहे हैं, तो उसको फुल बॉडी हार्नेस आपको पहनाना ही पहनाना है, कि किसी भी तरीके से वो फुल बॉडी हार्नेस पहन के जाए। देन फुल बॉडी हार्नेस पहनना चाहिए, टाइप ऑफ ग्लव्स, जो भी नेचर ऑफ वर्क है उसके हिसाब से कौन से ग्लव्स पहनने हैं, सूट कोई पहनना है हॉट वर्क सूट या कोल्ड वर्क सूट, जैसा भी काम करने जा रहा है वो पहनना ही नहीं, सो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे गॉगल्स पहनना है, सो एक्सेट्रा वॉट एवर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क कौन कौन से पीपीएस पहनने हैं वो चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ स्कैफोल्डिंग। जैसे मैं डिस्कस किया कि एक स्कैफोल्डिंग के लिए मीन्स एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, वो प्लेटफॉर्म स्कैफोल्डर्स स्पेशली ट्रेंड स्कैफोल्डर्स बनाते हैं, एंड स्कैफोल्डिंग बनाने के बाद फिर उसको सर्टिफाई भी करते हैं कि ये स्कैफोल्डिंग जो है इट इज फिट फॉर पर्सन टू वर्क फॉर प्रोलॉन्ग आवर्स, तो स्कैफोल्डिंग सर्टिफाई भी होती है, सर्टिफिकेशन के बाद ही कोई भी आदमी उस पर काम कर सकता है, तो स्कैफोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं वो डिपेंडिंग अपॉन हाइट ऑफ द वर्क जो करना है एंड नेचर ऑफ वर्क, उन दोनों को देखते हुए आपको स्कैफोल्डिंग लगवाना है कि नहीं लगवाना है ये डिसाइड करना है। एंड ये सिर्फ इश्यूर नहीं करता स्कैफोल्डिंग की जरूरत है कि नहीं, वो रिक्वायरमेंट जो है आपको एक्सेप्टर देता है या मेंटेंस में देता है कि मुझे यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क इज हैवी वर्क या हैवी इक्विपमेंट के साथ है, तो स्कैफोल्डिंग की जरूरत है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। पीपीज आपने अरेंज कर लिया है, एंड देन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स में अगेन आप जो भी जहां भी आदमी काम करने जा रहा है, जिस भी पाइप पे काम करने जा रहा है, जिस इक्विपमेंट पे काम करने जा रहा है, वो इक्विपमेंट आपका फुली आइसोलेटेड है, फ्लश्ड है, ड्रेन्ड है, एंड और कोई रिक्वायरमेंट है जो कि वहां पे होनी चाहिए, वो सारे रिक्वायरमेंट्स होने के बाद ही आप परमिट इशू करते हैं। सो परमिट आपने इशू करने के ऊपर अगर आपने सारा नेचर ऑफ वर्क चेक कर लिया, प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट सारे फुलफिल कर लिए, आपको कुछ भी वहां पे एक्स्ट्रा चाहिए जैसे कि लाइट चाहिए, लाइटिंग अरेंजमेंट चाहिए, या फिर आपको ड्रेन चाहिए कि लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रेन करना है, या कुछ कट करना है, कुछ भी जो भी उस नेचर ऑफ वर्क की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होगी वो आपको प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है, फुलफिल रिक्वायर करने के बाद आप परमिट इश्यूएंस पे जाएंगे। परमिट इश्यूएंस के लिए आप परमिट बनाएंगे, नेचर ऑफ वर्क समझेंगे उसमें क्या क्या है, उसके हिसाब से आप फुलफिल करेंगे कि आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, नॉइज है, तो पीपीएस क्या क्या चाहिए वहाँ पे, पीपीएस डिसाइड करेंगे, पीपीएस डिसाइड करने के बाद फिर और कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से टूल्स की जरूरत है वो समझेंगे, और फिर उसके बाद आप एक्सेप्टर के साथ मिल करके देन उसकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, रिमार्क्स है, तो आप समझेंगे एंड तब जाकर के आपका परमिट इशू होगा। अगर आपका हाइट एंड वर्क नेचर वर्क अगर उसमें ऐसा कोई हॉट वर्क तो साथ में इंक्लूडेड नहीं है, मिक्स नहीं है, सो आपका उसके बेसिस पे उसमें अप्रूवल कैसा रहेगा वो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि अगर नॉर्मल सा वर्क का हाइट है जो कि प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए नहीं है, सिंपल सा जो है आधे घंटे काम है एंड नॉर्मल जो है बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं है, तो ऐसे जितने भी काम होंगे उसमें आपको अप्रूवल आपका एरिया इंचार्ज ही काफ़ी होता है कई बार। बट अगर आपका मार्केट हाइट के साथ अगर आपका हॉट वर्क भी इंक्लूडेड है या कन्फाइंड स्पेस में आकर के आपको कहीं पे कन्फाइंड स्पेस आपने घुसा और फिर वहाँ पे आपको काम करना है कि बहुत ज़्यादा नीचे गहरा आपका वेल है उसमें, तो कन्फाइंड स्पेस में आ गया, वहाँ तो मार्केट हाइट होगा नहीं, सॉरी। सो अगर आपका ऐसा कोई भी काम है जहाँ पर भी आपका क्लब हो रहा है, हॉट वर्क आपका एक क्लब हो गया या कोई और ऐसे काम जिसमें आपको लगता है कि ये हैवी ड्यूटी वर्क हो गया, तो ऐसे जितने भी काम होंगे वहाँ पे भी आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है।
सो अप्रूवर आपका कौन हो सकता है? अगेन आपका प्रोडक्शन मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्लांट हेड, कोई भी हो सकता है जिसकी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी उस परमिट को इशू करने के लिए। तो इश्योरेंस के बाद हो जाएगा अप्रूवल, देन अगेन देन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा एंड फील्ड एग्जीक्यूटिव उसको फील्ड में ओपन करेगा। ओपन करने के बाद आपका वर्क होगा, वर्क होने के बाद फिर जाकर के आप वापस से परमिट क्लोजर की तरफ बढ़ते हैं। सो वर्क एट हाइट में बेसिकली आपको क्या समझना है कि वर्क एट हाइट किस वर्क को कहें कि वर्क जो है वर्क एट हाइट की कैटेगरी में आता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कोई भी वर्क जो कि 1.8 मीटर्स की हाइट के ऊपर अगर आप काम करने जा रहे हैं तो वो वर्क एट हाइट में आएगा। वर्क एट हाइट में आने के बाद आपको रिक्वायरमेंट है सबसे पहली चीज कि वहाँ का आदमी काम करेगा तो कैसे करेगा। तो उसके लिए आपको टेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है या नहीं है, ज़रूरत है तो स्कैफोल्डिंग्स आपको बनवाने पड़ेंगे। स्कैफोल्डिंग बनने के बाद उसको सर्टिफाई करवाना पड़ता है कि इट इज़ फिट फॉर यूज़। वो फिट फॉर यूज़ होने के बाद स्कैफोल्डिंग आपका बन गया है, देन आपका नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ वर्क स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि आप कोई भी परमिट इशू करते हैं। वो इशू होने के बाद आपका काम हो जाने के बाद देन अगेन वो स्कैफोल्डिंग्स भी अपनी जगह से रिमूव होनी चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी एक्सेप्टर की जिसने कि वो स्कैफोल्डिंग बनवाई है ताकि एरिया क्लीन हो जाए काम करने के बाद एंड फिट फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस में वो वर्क आ जाए। सो आई थिंक वर्क एट हाइट में इससे ज़्यादा और कोई बहुत ही समझने वाली चीज़ नहीं है, बट फिर भी आपके पास तो लगता है कि कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछिए। स्कैफोल्डिंग अपने आप में एक टॉपिक है जो मुझे लगता है कि वो डिटेल में समझना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग कैसे बनता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है स्कैफोल्डिंग बनाने के, बट आई थिंक वो इस वीडियो में नहीं इंक्लूड करके हम बाद में इंक्लूड करेंगे कभी। सो फॉर नाउ आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट टॉपिक में हम वेसल एंट्री पाएंगे जो कि वन टाइप ऑफ कन्फाइंड स्पेस है बट स्पेशल केस होता है वेसल एंट्री, तो वो हम समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।